चलिए, तो यहाँ पे हमने सीख लिया, हमने देखा, हमें ये बात समझ में आ गई कि लिमिट यहाँ पे हम जीरो से लेके, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, इसमें लिमिट जो है थीटा की वो जीरो से पाई बाई टू तक लेंगे, क्योंकि जब हम जीरो पे एलिमेंट लेंगे तो ये वाली रिंग हो जाएगी, उसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे पाई बाई टू तक, ये सारी रिंग मिलके पाई बाई टू तक पूरे स्फीयर को कवर कर लेंगी। तो इसमें जो हम एलिमेंट लेंगे वो केवल जीरो से लेके पाई बाई टू लेंगे। अब हमने एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश की, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो कितना आ गया, जीरो, बिकॉज यहाँ द एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट कितना है, जीरो। पर जब हम वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सारी चीजें लिखेंगे डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना हो जाएगा, हमारे पास डीएम है एम कॉस थीटा इंटू वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट दैट इज आर साइन थीटा, डी डी से डीएम है एम कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो गया एम कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू, फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करिए, कितना आया, आर बाय टू तो देखो हमने टोटल मास कितना मान रखा है, टोटल मास एम है, तो जब नीचे वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो आप टोटल करके देखना इसका इंटीग्रेशन, कॉस थीटा में कॉस माइनस ऑफ साइन थीटा लिमिट वगैरह डालोगे तो ये एम आ जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट अब केवल ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले का इंटीग्रेशन तो हमें पता है एम आएगा, भाई टोटल मास ही तो है वो, ठीक। तो उसको जब इंटीग्रेशन किया तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, आर बाहर निकाल दिया, एम से एम कट गया, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, आर बाहर है, एम कट गया है ना, एम यहाँ से निकला और वो शायद बना जाएगा, मतलब कुल मिला के एम आएगा, एम इसको तो इंटीग्रेट कर लोगे ना नीचे वाले पार्ट को, कि करूँ इंटीग्रेट। देखो नीचे का यस सर। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है, टोटल मास, टोटल मास तो मास एम है, आप इंटीग्रेट करके देख लो उसको, ठीक। हमारा मेन फोकस है इसको इंटीग्रेट करना जीरो से पाई बाई टू। अब साइन थीटा कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन करना तो थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आर बाई टू इंटू, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला तो इधर आ गया आर बाई टू, ऊपर बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा जो कि बन जाएगा साइन टू थीटा डी थीटा फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू। अब साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, ये होता है कॉस टू थी माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, जीरो से पाई बाई टू की लिमिट है, ये सिखाया था आपको कि जो भी रहता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके साथ में जो भी है वो नीचे आ जाता यस सर। है। उसके बाद आपने इसमें वैल्यू डाली, टू बाहर आ जाएगा तो ये बन गया आर बाय फोर, अंदर एक माइनस भी है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं बाद में रख देंगे, अंदर बचा टू थीटा, उसमें थीटा की जगह पाई बाई टू डाला तो बन गया पाई, तो ये आ गया कॉस पाई माइनस, सॉरी माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई होता है माइनस वन, जीरो होता है वन, तो गया माइनस टू, बाहर एक माइनस था तो इंटू टू, तो ये बन गया आर बाई टू, तो वाई सी यू एम बराबर आ गया आर बाई टू। तो मतलब जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए इसके, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए 0, r/2। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये था हमारा डायग्राम, ठीक, तो इसके सेंटर ऑफ मास हम लिख सकते हैं यहां से आर बाई टू ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। चलिए तो इस बार है
भरा हुआ है, उसका मास है m और रेडियस है r। सॉलिड का मतलब होता है कि अंदर से ये फिल्ड है, खाली नहीं है। इस तरीके से, ठीक है। और ये इसकी x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, ये तो हो जाएगी x एक्सिस और ये मान लेते हैं y एक्सिस। मास m है और रेडियस r है, तो यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा, लैम्डा, सिग्मा या रो। मतलब लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी, रे की है द्रव्यमान घनत्व, सिग्मा होता है पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व, जहां पे मास एक सरफेस पर रहता है, पर यहाँ पे तो मास अंदर भी भरा हुआ है, वॉल्यूम में भी भरा हुआ है, तो यहाँ पे डिफाइन होगा आयतन द्रव्यमान घनत्व या वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको जिसका सिंबल होता है रो, ठीक है। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए रो कितना हो जाएगा, मास है यहाँ पे टोटल एम, और स्फीयर का वॉल्यूम हम जानते हैं 4/3 πr³ होता है, ये आधा स्फीयर है तो ये हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट होता है, सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट होता है वो छोटे छोटे हेमी स्फीयर हम मानते हैं। कि भाई सॉलिड स्फीयर कैसे बना होगा, तो हमने माना कि यहां से x डिस्टेंस दूरी पर, मतलब x रेडियस पे एक dx थिकनेस का पतला सा dx थिकनेस का इस तरीके से एक हेमी स्फीयर हमने अज्यूम किया, तो हम ऐसे पतले पतले, ये जो पतले से हरे कलर का मैंने बनाया है dx थिकनेस का, इसकी थिकनेस dx है, एक छोटा सा हमने हेमी स्फीयर बनाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस रेडियस x को बढ़ाते जाएं और एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे हेमी स्फीयर रखते जाएं इस तरीके से, एक और फिर एक और फिर एक और फिर एक और, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो मतलब एक सॉलिड स्फीयर को हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे छोटे छोटे थिकनेस में पतले पतले हेमीस्फेयरों से मिलके बना होगा। तो हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट हो गया इसमें हॉलो हेमीस्फेयर। हॉलो क्यों, क्योंकि एलिमेंट में केवल इतना ही पार्ट है जो कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से शेडेड किया गया है, बस दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट है यहाँ पे hollow hemisphere of radius x of thickness dx, ध्यान से सुन ले। तो एलिमेंट यहां पे हो गया hollow hemisphere of radius x and thickness dx, ध्यान से सुनना। तो ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इस एलिमेंट को अगर हम एक के ऊपर रखते जाए तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ओके। तो क्या काम होता है हमारा, सबसे पहले कि जो आपने एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट का मास लिख लो डीएम। तो इस छोटे से एलिमेंट का जिसकी थिकनेस डीएक्स है, इसका मास होगा डीएम। और डीएम हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे हमें क्या पता है, रो पता है। रो का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो अगर आपको एकांक आयतन का द्रव्यमान पता है रो, और आपको किसी आयतन का द्रव्यमान निकालना है, तो आप सिंपल क्या कर दोगे, इस रो में उस द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि आप पहले करते आ रहे हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको सिग्मा पता था, यानी कि एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान पता था, तो जब आपको इसका द्रव्यमान निकालना पड़ा एलिमेंट का, तो आपने क्या किया, इस एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान में टोटल क्षेत्रफल जितने का आपको द्रव्यमान निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो
तो जैसे यहाँ पे आपने एकांक क्षेत्रफल यानी कि सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने एरिए का आपको मास निकालना था, हमें मास इस एलिमेंट का निकालना था, तो इस एलिमेंट के एरिए का मल्टीप्लाई हमने सिग्मा से कर दिया। अरे बात समझ में आई। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे ही हमें यहाँ पे इस एलिमेंट का मास निकालना है। ये जो एलिमेंट मैंने लिया है तो हमें यहाँ पे रो पता है, रो का मतलब है एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो उसमें इस एलिमेंट के आयतन लिख देंगे हम, ये एलिमेंट का आयतन लिख देंगे, इसकी थिकनेस है ना dx, तो इसका आयतन हम लिख देंगे dv, और रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास dm आ जाएगा। तो सबसे मेन बात है अब ये dv लिखना, तो ये बड़ा ही आसान होता है। देखो कैसे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं dm, पहले हम dm निकाल लेते हैं। तो dm है रो इंटू dv, तो रो तो हमने निकाल के रख रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू बाद में डाल देंगे। तो रो आपको अब सीखना है आयतन लिखना, तो किसका आयतन लिखना आप सीख रहे हो, इस एलिमेंट का। एलिमेंट क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो हेमी स्फीयर है, जिसकी थिकनेस कितनी है dx। तो क्या हम वॉल्यूम को, आयतन को ऐसा लिखते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, यही तो होता है वॉल्यूम, क्षेत्रफल इंटू थिकनेस को क्या बोलते हैं, मोटाई। क्षेत्रफल को अगर मोटाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाता है, सिंपल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा रो इंटू एरिया, किसका एरिया, एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर है, तो हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया तो अभी हमने पढ़ा ही था, कितना होता है भाई, पूरे का होता है 4πr², तो आधे का हो जाएगा 2πr², और रेडियस इसकी क्या है x, तो कितना हो जाएगा 2πx², और थिकनेस कितनी है इसकी dx, ये आ गया आपका dm। अब यहाँ पे आप रो की वैल्यू चाहो तो रख लो, रख लेते हैं, तो dm आपका फाइनल आ जाएगा। रो कितना है ऊपर से देख के लिख लो, m अपॉन 2/3πr³, तो 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो कितना बन गया 3m अपॉन 2πr³ इंटू 2πx² इंटू dx। तो यहां से 2π से 2π गया, तो dm आपका निकल के आया 3m अपॉन r³x² dx, ठीक। और दूसरी चीज हम क्या फाइंड करते हैं, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज हम फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा एलिमेंट का, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट हमें जरूरत पड़ते हैं आगे फॉर्मूला लगाने में। तो हमने जो एलिमेंट लिया है वो लिया है हॉलो हेमिस्फीयर, और हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो अभी हमने निकाला है 0r/2, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसकी रेडियस के आधे पे यहाँ होगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0x/2, ठीक है। यहां तक दिक्कत हो किसी को तो बोल दो, क्योंकि आगे तो सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेट करना है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें सभी में, सेंटर ऑफ मास निकालने का कॉन्टिन्यूस बॉडी में, तो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एलिमेंट कैसे लेते हो। तो आपको ये एलिमेंट सारे याद रखने, ध्यान रखने की, रॉड था तो वहां पे एक्स पे जाके dx लिया, रिंग था तो थीटा पे जाके dθ लिया, डिस्क था तो अभी तक तो ये पॉइंट मास थे, फिर जब डिस्क आया तो वहां पे हमने एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक रिंग ली थी, है ना। फिर जब हॉलो स्फीयर आया तो वहां पे थीटा पे जाके dθ की एक रिंग ली थी, यहाँ पे हमने हॉलो हेमिस्फीयर लिया। तो ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। तो क्या आपने, तो हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का मास निकाल लिया। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एलिमेंट जो आपने लिया है उसका मास और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अगर आप ये दो चीज निकाल लेते हो फिर आगे तो बड़ा ही आसान है काम। तो आगे हम निकालेंगे पहले x सेंटर ऑफ मास। तो आप लिखोगे x com बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है 0। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक सिमेट्री है, एक सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास उसी पर लाय करता है। तो यहाँ पे एक सिमेट्री दिख रही है ना, जिधर इतना मास है उतना इधर है, तो इस पर लाय करेगा। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0। अब आपको सॉल्व करना है y सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ
डीएम सॉल्व करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम नीचे का तो कितना आ जाएगा, कैपिटल एम। भाई आप सॉल्व करके देख लेना ये वाले पार्ट, इंटीग्रेशन डीएम को जब इंटीग्रेट करोगे। अच्छा इसमें लिमिट क्या लगेगी तो सोचो, इसमें पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, जब एक्स बराबर जीरो पे था तब पहला एलिमेंट आएगा, और आखिरी एलिमेंट कहाँ आएगा, जब एक्स बराबर कितना हो जाए आर, तो एक्स की लिमिट क्या लग जाएगी इसमें जीरो से आर। तो जब आप अब यहाँ पे डीएम की वैल्यू रखोगे और लिमिट लगाओगे जीरो से आर, तो वो आपका एम आ जाएगा ऑटोमेटिक। सही बात भी है, टोटल मास ही तो आएगा, तो लिमिट लगानी है आपको जीरो से आर। चलिए ऊपर वाले में वैल्यू रखिए, तो डीएम कितना आया था, 3m अपॉन आर क्यूब, 3m अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये तो हो गया आपका डीएम, इंटू वाई, वाई का मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो कि हो गया एक्स बाई टू ये, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको फ्रॉम जीरो टू आर। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लो इसको, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, तो ये आपका आ गया 3m अपॉन 2r क्यूब x क्यूब dx फ्रॉम 0 से r डिवाइडेड बाय m, तो m से m कट जाएगा, तो ये निकल के आया आपका 3 अपॉन 2r क्यूब। इंटीग्रेशन x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, उस पर लिमिट डालेंगे तो बन जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4। तो आपका y cum का आंसर आ गया 3r अपॉन 8। तो फाइनली जो सेंटर ऑफ मास निकला, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितना आ गए, 0.3r अपॉन 8। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको ले आऊं, और यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से 3r अपॉन 8 दूरी पर आएगा। देख लो, आसान है ना। चलिए, तो ये इधर वाला है हॉलो कॉन और उधर वाला है सॉलिड कोन। तो हॉलो कॉन का हाइट h और इसका भी हाइट h है। तो जो हॉलो कॉन का सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से, अब देखो इसमें भी सिमेट्री तो है ना, पर एक ही सिमेट्री है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। कहाँ करेगा, वो होगा बेस से एच वाई थ्री ऊपर, बेस से एच वाई थ्री ऊपर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और सॉलिड कोन के लिए, सॉलिड कोन का भी सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से एच वाई फोर ऊपर होगा। एच क्या है, कोन की वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो इसमें ये वाला कोण कौन सा है, हॉलो कोण, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास यहाँ पे, और ये है सॉलिड कोण, इस तरीके से ये आपको याद रखने। तो मान लीजिए कि इस डिस्क का सेंटर ये है C1, और इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ये है C2। ये एकदम मैच कर रही है यहाँ पे लाइन ऊपर से, और ये मैच कर रही है यहाँ नीचे से। ठीक है, दोनों ही यूनिफॉर्म हैं, और इनकी जो सरफेस मास डेंसिटी है
वो सिग्मा दे रखी है, इनकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। चलो पहले मैं आपको कराता हूँ कि मास दे देता हूँ मैं डायरेक्टली पहले एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि अगर सिग्मा दिया होता तो कैसे करते हैं। तो इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। बताइए, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू c1, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है c1 से। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू c1, यहां से इन दोनों की कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो कैसे करें, देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पहला सवाल इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो कंटिन्यूस बॉडी हैं अलग अलग, ठीक है, इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे करना है कि ये यहाँ पे जो डिस्क है ये अलग है, क्या इसका सेंटर ऑफ मास हम सी वन पे मान सकते हैं अकेले का? बिल्कुल, डिस्क का अगर डिस्क पूरी है, यूनिफॉर्म मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम सेंटर पे ही लेते हैं, राइट? आप चाहो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी देख सकते हो, दो एक्सिस सिमेट्री का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पे। वैसे ही जो ये स्क्वायर प्लेट है, इसका अकेले का सेंटर ऑफ मास सी टू पे आ जाएगा क्या? मतलब जो स्क्वायर प्लेट है इसका पूरा का पूरा मास हम सी टू पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। तो मतलब डिस्क का पूरा मास हम C1 पे और स्क्वायर प्लेट का पूरा मास हम C2 पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। मतलब कि आपका सवाल कैसा हो गया ये? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो बेसिकली सवाल ये नहीं है जो आपको दिख रहा है, सवाल ये है, देखो ये डिस्क का पूरा मास हमने C1 पे कॉन्सेंट्रेट मान लिया, तो डिस्क का मास पूरा को पूरा ये आ गया C1 पे, और डिस्क का मास कितना है m, ये क्या है C1, ठीक। वैसे ही ये स्क्वायर प्लेट है, इसका पूरा का पूरा मास C2 पे आ गया, और स्क्वायर प्लेट का मास कितना है? उसका भी मास m ही है, तो ये आ गया, ये पॉइंट मास बन गए C2 पे m। अच्छा कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ कि C1 से C2 के बीच की दूरी क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, डिस्टेंस बतानी है आपको C1 से C2 के बीच की, मतलब कि इन दोनों मास के बीच की डिस्टेंस बतानी है आपको। हाँ वेरी गुड, आर प्लस ए वाई टू, आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है, तो रेडियस बताओ ना भाई कितनी है। अरे ये टू ए दे रखा है तो ये डिस्टेंस भी टू ए हो गई, मतलब डायमीटर, सॉरी ये डिस्टेंस ए है तो ये डायमीटर भी कितना हो गया ए, तो बेसिकली इस डिस्क की रेडियस कितनी हो गई ए बाई टू, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई ए बाई टू प्लस ए बाई टू, डिस्टेंस कितनी हो गई ए बाई टू प्लस ए बाई टू, तो डिस्टेंस कितनी हो गई C1 से C2 के बीच की, ये डिस्टेंस हो गई। अब तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो इसे, बताओ आपको करा रखा है कि मान, अब यहाँ तो मास ही सेम आ गया यार, मास ही सेम है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, बीचों बीच में आ गया। मतलब आंसर क्या हो गया, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू C1, बीचों बीच में आ गया, मतलब यहाँ क्योंकि दोनों के मास सेम थे ना इसलिए सेंटर मास यहाँ आ गया, तो और डिस्टेंस कितनी आ गई a बाई टू, तो आंसर कितना आ गया a बाई टू आंसर हो गया। अगर आंसर की बात करें तो c1 से डिस्टेंस कितनी आ गई a बाई टू, ये आंसर हो गया, सिंपल। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए अब करिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन सेम है, बस एक लाइन मैंने चेंज कर दिया कि यहाँ पे इनका मास हमें नहीं पता है, लेकिन बस इतना दिया है कि डिस्क एंड स्क्वायर प्लेट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, दोनों ही सेम मटेरियल के बने हैं। ऊपर वाला सवाल ही है सेम, बस अंतर इतना है कि यहां मास नहीं दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है कि दोनों का मटेरियल सेम है। तो क्या करें बताओ, सबसे पहले मास कैलकुलेट कर ले दोनों के, मास कैलकुलेट कर लेंगे बस, तो फिर ऊपर वाले जैसा ही है सेम, है ना। चलिए तो पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मास ऑफ डिस्क क्या होगा एंड मास ऑफ स्क्वायर प्लेट क्या होगा। तो बताओ जो डिस्क है और स्क्वायर प्लेट है इसके लिए हम क्या अज्यूम कर लें,
भाई इसका जो मान सेम मटेरियल के लिए है ना, सेम मटेरियल है मतलब उनकी डेंसिटी सेम है, पर यहाँ पे कौन सी डेंसिटी डिफाइन होगी, लैम्डा वाली, सिग्मा या रो? तो लैम्डा होता है लीनियर के लिए, सिग्मा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पे सरफेस है ना, डिस्क एक सरफेस है और स्क्वायर प्लेट भी एक सरफेस है, इनके पास वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो क्या डिफाइन होगा यहाँ पे, सिग्मा डिफाइन होगा। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम कि इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी मास डेंसिटी सिग्मा है, दोनों के लिए मास डेंसिटी हम सिग्मा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई सेम मटेरियल है इसलिए दोनों की मास डेंसिटी तो सेम होगी, तो सिग्मा सिग्मा, ठीक है। अब हम लिखते हैं मास, ठीक। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क, इसको m1 बोल देते हैं मास ऑफ डिस्क को, और मास ऑफ स्क्वायर प्लेट को m2 बोल देते हैं। तो मास ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, m1 बराबर सिग्मा इनटू एरिया, यही होता है। सिग्मा क्या है, वहां की डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिस्क का एरिया कितना है, पाई ए बाई टू का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, एम वन बराबर सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, ये आ गया आपका एम वन। चलिए बताओ जल्दी से कमेंट में लिखें कि व्हाट इज द मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट का मास कितना हो जाएगा, यानी कि m2 बोला है ना उसको अपन ने, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है स्क्वायर प्लेट की, स्क्वायर प्लेट की साइड है ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, तो एम टू बराबर आ जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर। हमें एम वन एम टू पता लग गए मास, अब तो क्या करना है, सेम जो मेथड वहां पे हमने सॉल्व कर रहे थे वैसा ही, कि भाई यहाँ पे ये जो डिस्क है इसके पूरे के पूरे मास को हम C1 पर मान सकते हैं, तो C1 यहाँ मान लिया हमने, ये हो गया C1 और यहाँ का मास हो गया M1, ये डिस्क है C1 पे, और यहाँ से कुछ दूरी पर है C2 और इसका मास है M2। जल्दी से बताओ C1 C2 के बीच में दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, ए, तो यहाँ पे लिख रखा है C1 से C2 के बीच की दूरी हम निकाल भी सकते हैं, रेडियस और ये बाई टू, तो यही है वो, तो ठीक है। अब M1 M2 पता है आपको, अब आपको क्या निकालना है, आपको सेंटर ऑफ मास पूछा है मैंने C2 से, तो मान लो सेंटर ऑफ मास ये रहा C2 से, C O M यहाँ रहा, आपको डिस्टेंस निकालनी ये वाली। तो याद है हम मैंने जब आपको टू मास सिस्टम पढ़ाया था, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आर टू, और आर टू बराबर क्या था, एम वन डी अपॉन एम वन प्लस एम टू, मतलब जिस मास से आपको सेंटर मास निकालना है उससे दूसरे वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है ए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एम वन इनटू ए डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, सभी की वैल्यू पता है मुझे, एम वन की पता है, एम टू की पता है, वैल्यू रख दूंगा, एम वन बराबर है सिग्मा सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय फोर इंटू ए डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, हो जाएगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय फोर प्लस एम टू कितना है सिग्मा ए स्क्वायर। तो आप देखोगे यहां से तो सिग्मा ए स्क्वायर तो सभी जगह से कट ही गया, सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गए सारे, ऊपर बचा पाई ए बाय फोर, और नीचे बचा पाई बाई फोर प्लस वन, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर दो, तो ये कुछ आ रहा है
पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 इंटू ए, आंसर आ गया इस तरीके से। तो देखा सवाल वही था, बस पूछने का तरीका बदल गया। यहाँ पे मास दिए हुए थे दोनों का मास, यहाँ पे चाहे तो मास अलग अलग भी दे सकता था, मैंने सेम दे दिए, अलग देता तब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। यहाँ पे मास ही नहीं दिए, बस ये बता दिया कि दोनों का मटेरियल सेम है। तो हमने देखा कि भाई इसके लिए तो सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन है, सिग्मा बराबर करके मास निकाल के और फिर कर दिया काम। इसमें क्या क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। तो ऊपर वाले का मास एम है, मतलब ऊपर पहले तो सुन लो क्या है, ये है हॉलो स्फीयर, और नीचे है सॉलिड कोन, इसका भी मास एम है, ठीक। और ये हो गई इसकी रेडियस आर, और ये चीज हो गई इसकी हाइट। हाँ, नीचे सॉलिड कोन, मास एम का। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जब ऐसे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए हों आपस में कनेक्टेड, तो पूरे का एक साथ निकालने की जगह आप क्या कर सकते हो कि अकेले अकेले का उनके सेंटर ऑफ मास पर मास मान सकते हो, तो पॉइंट मास बन जाएंगे, फिर पॉइंट मास का आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे ऊपर एक क्या है, हॉलो स्फीयर है ऊपर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमने सीखा था, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बताओ? हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बताओ? हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। यहां से हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा? आर बाई टू, ठीक है भैया, ये डिस्टेंस आ गई हमें r बाई टू। और नीचे क्या है? सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कहां आता है? अभी सिखाया था आपको सॉलिड कोन का कहां गया, ये रहा। तो सॉलिड कोन का बेस से सेंटर ऑफ मास h बाई फोर पर आता है, ठीक है। तो मैं यहां पे कर दूंगा इसे h बाई फोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका सारा का सारा मास मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। इसका मास कितना है m, अच्छा इसको मैं, अब मेरे को O से दूरी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, O को ओरिजिन मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगी x एक्सिस और ये हो जाएगी y एक्सिस, ठीक है। चलिए O से दूरी बतानी है मेरे को सेंटर ऑफ मास की, बहुत बढ़िया। तो जो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास आया उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट लिख लूंगा ना ताकि m1 x1 m2 x2 लगा सकूं मैं आसानी से, जैसे भी करना चाहो कर दो। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अगर मैं इसको y एक्सिस पे ले लूंगा तो 0, r/2, ठीक है। और कोन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कोन के 0, -hy4, ध्यान रखना -hy4 क्योंकि वो नीचे है ओरिजिन से, 0, -hy4, माइनस में आएंगे, ध्यान रखना, बस यही गलती हो जाती है। अब हमने हॉलो हेमिस्फीयर का सारा मास यहाँ पे ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, r/2, और सॉलिड कोन का सारा मास यहाँ पे ले लिया, इसका मास m है और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -h/4, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, O पॉइंट, इसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, x सेंटर ऑफ मास बराबर भाई पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था m1 x1 plus m2 x2, वही लगा देंगे। तो x com हम लगाएंगे m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, कितना हो जाएगा 0, साफ साफ देख रहा है कि अगर ये दोनों masses y axis पे हैं तो इनका center of mass भी इसी axis पे आएगा, इस axis पे x coordinate 0 आ जाएगा, चाहो तो value formula में डाल लो,
तो यहाँ पे आप एम वन एक्स वन लिखोगे जीरो आएगा, एम टू एक्स टू लिखोगे जीरो आएगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो आ गया, मतलब जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा। अब हम करेंगे वाई सी ओ एम, तो वैल्यू डालेंगे एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, चलिए वैल्यू डालो, तो एम वन बाय वन कितना हो गया एम इन टू आर बाय टू प्लस ये हो गया एम टू वाई टू कितना हो गया एम इन टू माइनस एच बाय फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कितना हो गया एम प्लस एम। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां से वाई सेंटर ऑफ मास आ गया, देखो वैल्यू भी डाल देते हैं, चलो एम आर बाई टू ये हो गया माइनस एम बाय फोर। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, एच बराबर टू आर दे रखा है, देखो एच बराबर टू आर, तो यहाँ पे हम एच की वैल्यू को लिख देंगे टू आर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम कितना हो गया टू एम। तो ये फाइनली सॉल्व कर दो कितना आ रहा है, जीरो अपॉन टू एम आ रहा है क्या, वाई सी यू एम कितना आ गया जीरो आ गया, बोलो आया क्या। बोलो सॉल्व करो, देखो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास आया उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए जीरो कॉमा जीरो, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है कितना आ जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम जीरो सॉरी फ्रॉम ओ ओ पॉइंट, ये हमने ओ पॉइंट से दूरी निकाली, बट जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो भी जीरो कॉमा जीरो आ गया और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी कितने हैं जीरो कॉमा जीरो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, जीरो आंसर आ गया। अरे बोलो भैया आया समझ में। चलिए एक लास्ट सवाल, क्योंकि आपने सही नहीं बताया सभी ने इसलिए मेरे को देना पड़ रहा है, यही क्वेश्चन है बस जो हॉलो स्फीयर है उसकी जगह सॉलिड स्फीयर करके सवाल को सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पे जो ये हॉलो स्फीयर दिया हुआ है इसकी जगह ये सॉलिड स्फीयर है। अब करो, चलिए जल्दी से करके बताइए, ओ से डिस्टेंस बतानी है सेंटर ऑफ मास की, ऊपर सॉलिड स्फीयर है सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है और नीचे सॉलिड कोन है। चलिए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनके खुद के पर्सनल सेंटर ऑफ मास हम देख लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये आएगा 3r बाय 8 पर, और नीचे तो सॉलिड ही है कौन, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी अभी हमने सीखा ये आएगा एच बाय 4 पर। इनके कोऑर्डिनेट हम चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे काम आएंगे, तो ये हो जाएगा 0,3r बाय 8 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -h बाय 4। अब सॉलिड हेमिस्फीयर का मास m यहां मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,3r बाय 8 और जो सॉलिड कोन है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, मास m है 0, -h/4, तो इसके मास को हम इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालना है किससे, ओ से। देखो अगर वैसे डायरेक्टली मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता तो मैं कह देता भाई कि सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ आएगा तो मैं डिस्टेंस निकाल देता, लेकिन वो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है आर वन और आर टू जो हमने लिखा था वो सेंटर ऑफ मास की दूरी आती है किसी मास से, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी पॉइंट से, तो अच्छा तरीका यही है कि हम इसे ओरिजिन मान लें, जो कि हम मान चुके हैं ओरिजिन, और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिख के और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, तो वो आसान पड़ेगा। तो जैसे सवाल पूछा जाता है उस हिसाब से हमें सोचना होता है कि हम क्या करना चाहिए, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो जीरो आ गया ऑब्वियस है, एम इंटू जीरो एम इंटू जीरो करेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो y c u m डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ m into 3r by 8 minus m into h by 4 divided by 2m, यही आएगा m1 plus m2, h की जगह मैं रख दूंगा 2r, h बराबर 2r,
तो बेसिकली ये बन जाएगा m से तो m कट ही जाएगा, ये बन जाएगा 3r by 8 माइनस h की जगह मैंने रख दिया 2r, तो ये बन गया माइनस r by 2 डिवाइडेड by 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 3r माइनस 4r, तो ये आ गया y सेंटर ऑफ मास बराबर माइनस r by 16 और x सेंटर ऑफ मास बराबर 0। मतलब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिल गए 0, माइनस r by 16। लेकिन मैंने क्या पूछी थी डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया 0 माइनस r by 16, ये आ गया COM। मैंने ये डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आंसर आएगा आपका डिस्टेंस बराबर r by 16। ठीक, कोऑर्डिनेट आ गए माइनस r by 16, डिस्टेंस आ गया r by 16।